नमस्कार, मैं अंशु, स्वागत करती हूं आपका यूपी 24 न्यूज में। चलिए नजर डालते हैं आज की ताजातरीन खबरों की तरफ। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे के सिकंदरपुरा वार्ड नंबर 5 के सभासद द्वारा दिहाड़ी मजदूर रिक्शा चालक तथा पाटीदारों के 160 आवेदन भरवाए गए। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे के अधिशासी अधिकारी द्वारा सफाई कर्मियों को निःशुल्क किए गए सावन वितरण। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में वाहन न मिलने पर सौ को हाथ ठेला में ले गए परिजन। श्वास की बीमारी से हुई थी मजदूर की मौत, लोगों को सौ वाहन की नहीं थी जानकारी। हमीरपुर जिला पंचायत अध्यक्ष जयंती संतराम राजपूत ने कोरोना वायरस प्रकोप के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में व्यक्तिगत स्तर से 1,01,000 रुपये दान किया। साथ ही अपनी जिला पंचायत अध्यक्ष निधि से 10,00,000 रुपये की चेक उत्तर प्रदेश कोविड केयर फंड में दान की। हमीरपुर जनपद के गिरौर गांव में पूर्व प्रधान के घर पर हमला बोल दबंगों ने की फायरिंग। वर्चस्व की जंग में गोलियां चलने से गांव में मचा हड़कंप। मामला मझगुआ थाना क्षेत्र के गिरौर गांव का। राठ कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत पशुवाड़े से लौट रही किशोरी से की छिड़खानी। मामला राठ कोतवाली क्षेत्र के एक गाँव का। हमीरपुर जनपद के टोला खंगारन गांव में पेयजल से संकट से जूझ रही टोला खंगारन की आधी आबादी। टोला खंगारन के सैकड़ों ग्रामीणों ने बताया कि आपूर्ति के लिए डाली गई लाइन जगह जगह से कट चुकी है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा। हमीरपुर जनपद के राठ कस्बे में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विभाग प्रचारक अखंड व जिला प्रचारक विकास के निर्देश पर कोरोना योद्धा के रूप में दायित्व निभाने वाले अधिकारी व कर्मचारियों का आरती उतार कर किया गया सम्मानित। सरीला में 11 एग्री जंक्शन केंद्र संचालकों ने 11,000 का चेक मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए जिला कृषि अधिकारी को सौंपा। सरीला क्षेत्र के जलालपुर मार्ग पर छेबौली गांव के पास अनियंत्रित होकर पलटी पिकअप, मौके पर पहुंची थाना जरिया पुलिस। मौदहा के नराइज फतेहपुर मौजा के खेतों में गेहूं की फसल में लगी आग, जलकर हुई खाक। सरीला क्षेत्र के जरिया थाने में खाने की समस्या को लेकर बच्चों के साथ पहुंची गुटकवारा की महिला, पुलिस ने भोजन करा खाद सामग्री देकर भेजा घर। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सुमेरपुर में नगर पंचायत द्वारा कराया जा रहा है सैनिटाइजर का छिड़काव। स्वासा गांव में सफाई कर्मियों ने पूरे गांव में किया सैनिटाइजर का छिड़काव। राठ कस्बे में उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल प्रतिनिधि मंडल के द्वारा निराश्रित लोगों को बांटे जा रहे लंच पैकेट। हमीरपुर जनपद में कोरोना संक्रमण को लेकर अब तक कुल 19,035 लोगों की प्राथमिक की गई जांच, सभी की रिपोर्ट आई निगेटिव। मौदहा कस्बे के मकराव स्थित सुंदरलाल सेवहरे डिग्री कॉलेज के शेल्टर होम में रह रहे प्रवासियों ने सरकार के कदम की करी तारीफ। सुमेरपुर में मंडी खुलते ही हुआ सामाजिक दूरी का उल्लंघन। कोरोना वायरस को देखते हुए समाज सेवी धर्मवीर सिंह ने जिलाधिकारी व सीएमओ को सैनिटाइजर मशीन सहित धनराशि की प्रदान। सुमेरपुर कस्बे में खेतों के विवाद को लेकर एक परिवार के साथ हुई मारपीट, थाना अध्यक्ष से की शिकायत। हमीरपुर जिला मुख्यालय में डीएम की अध्यक्षता में कलेक्टर सभागार में हुई बैठक, कोरोना के नियंत्रण व बचाव के दृष्टिगत बनी समितियों की हुई समीक्षा। सुमेरपुर में खेत में शौच करने जाने पर पति ने पत्नी के साथ की मारपीट, पीड़िता ने दर्ज कराया मामला। थाना प्रभारी ने कोविड-19 से बचाव हेतु जरिया थाना के पुलिस कर्मियों को साबुन वितरण कर मास्क पहनने के दिए निर्देश। हमीरपुर क्षेत्र के बजहेटा गांव में बने शोल्डर होम का जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक ने किया निरीक्षण, दिए दिशा निर्देश। प्रशासन की लगातार अपील के बाद भी मुख्यालय में नहीं हो रहा लॉकडाउन का पालन। अब तक की खास खबरों में इतना ही, बाकी खबरों के लिए बने रहिए।